दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों एनआईएस डीएलएड के रिवीजन में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहां पर एनआईएस डीएलएड का कोर्स रिवीजन चल रहा है योर ऑनलाइन पार्टनर पर, और यहां पर कोर्स 501, 502, 503 का आप रेगुलरली रिवीजन कर सकते हैं। हर दिन इस वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आज उस सीरीज में आज कोर्स 502 का कुछ और यहाँ पर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो कोर्स 502 का यूनिट 2 यहाँ पर हम लोग रिवीजन करेंगे। कोर्स 501, 502, 503 तीनों के रिवीजन सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पर से कि आपको सारा वीडियो एक एक करके देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो यहाँ पर हम लोग आज इकाई 2 में देखेंगे, वो पूरे इकाई 2 का रिवीजन करते हुए जो मेन है वो है शिक्षण एवं अधिगम के उपागम। इसको लेकर यहाँ पर इस इकाई में ज़्यादा जोर दिया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या विधि से पढ़ाया जा सकता है और क्या क्या विधि से बच्चों को शिक्षण और अधिगम, हालांकि दोनों मिला जुला के लगभग बात एक ही है, शिक्षण और अधिगम का सिखाने की ही बात होती है, तो उसे किस प्रकार से विद्यार्थियों में जो है अच्छे से फिट किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ तरीके हैं। तो यहाँ से जो होगा इस रिविजन में हम लोग देखेंगे, तो बेसिकली अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो शिक्षक केंद्रित उपागम आता है, विषय केंद्रित उपागम आता है, अध्येता केंद्रित उपागम आता है, दक्षता केंद्रित उपागम आता है, रचनात्मक उपागम आता है। तो ये मेनली यहाँ पर पांच चीजें हैं जो कि पांच तरीके के उपागम हैं। शिक्षक केंद्रित उपागम यहाँ पर मेनली जो शिक्षक जो होते हैं उनके केंद्रित वो उपागम रहता है, वो पढ़ाने का तरीका रहता है शिक्षक के हिसाब से। विषय केंद्रित जो रहता है वो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट को के केंद्रित उसके हिसाब से रहता है। अध्येता केंद्रित स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए वो पढ़ाई का तरीका बनाया जाता है। दक्षता यहाँ पर कैपेबिलिटी को दिखाता है, तो कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ाई का तरीका होता है। उसके बाद रचनात्मक उपागम, क्योंकि कुछ क्रिएटिविटी कुछ एक नए तरीके से पढ़ाया जाए वो रचनात्मक उपागम में आता है। ये तो हो गया मेन बात। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन निकल के आएगा वो हम लोग यहां पर मेनली देखेंगे। तो यहाँ पर जो मेनली दोस्तों आपसे पूछा जाएगा वो किसी भी उपागम की विशेषताओं के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल के आता है वो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो होगा विषय केंद्रित उपागम की क्या विशेषताएं होती है। तो दोस्तों विषय वस्तु पर ही ध्यान केंद्रित होता है इस उपागम में, अतः कक्षा में पाठ्य पुस्तक का आदान प्रदान ही सभी क्रियाकलाप का मूल रूप होता है। तो जैसा कि हमने आपको अभी जस्ट पहले भी बताया कि विषय केंद्रित उपागम मीन सब्जेक्ट वाइज होता है, जो सब्जेक्ट कह रहा है बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाना, ना उसमें कुछ जोड़ना ना घटाना। शिक्षक स्वयं को बच्चों के सम्मुख एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करता है इसमें, जैसे कि वह विषय से संबंधित सभी मामलों का आधिपत्य रखता हो। तो जो भी विषय वहाँ पर दिया रहता है विषय में उसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन पूरी तरीके से कर दिया जाए बच्चों के बीच, वही विषय केंद्रित उपागम में आता है। और इसमें आगे है कि इन विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही पूरा हुआ माना जाता है, कि मतलब सिलेबस में 5 चैप्टर है तो 5 चैप्टर पढ़ा दिए तो वो विषय केंद्रित उपागम हो गया और पढ़ाई कंप्लीट हो गया। अगला जो पॉइंट है वो है कि कक्षा में विषय वस्तु को प्रस्तुत करते समय वास्तविक जीवन की स्थितियों को मुश्किल से ही स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल किताबी है, तो जैसे आप किताबी कीड़ा कहते हैं, तो बिल्कुल जो किताब में है बस उतना ही समझना है, ना उससे आगे ना उसके पीछे। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है कि कक्षा की सभी परस्पर क्रियाएं पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, तो वहां पर जो भी कक्षा में होती है वो पाठ्य पुस्तक में जो है उसी के हिसाब से होती है। अगला जो पॉइंट है वो है गुणात्मक आधारित परिणाम की अपेक्षा संख्यात्मक आधारित परिणाम का दबाव होता है, तो मतलब वहां पर जो आपका डेवलपमेंट होगा, आप जो नई नई चीजें वहां से सीख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो चीजें कम होगी, और जो चैप्टर वाइज है, चैप्टर खत्म हो गया, उस चैप्टर से क्या क्या मार्क्स आएगा उस पर ज़्यादा यहाँ पर फोकस होता है। मूल्यांकन के लिए पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उपयोग किए जाते हैं जिसमें विभिन्नता की कमी होती है। तो जब इसमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जाता है छात्रों के बीच, तो उसमें बस इसी पे मूल्यांकन किया जाता है, जो पाठ्य पुस्तक पे क्वेश्चन है बस उसी को देखा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो भिन्नताएं होती है, जो नई नई चीज एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी हम यहाँ पर रिविजन कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग जोड़ते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ते हैं या कोई अलग अलग तरीके से बताते हैं, तो वो चीज़ों की वहाँ पर कमी होती है विषय आधारित उपागम में। इसके बाद जो आपका मेन क्वेश्चन बनेगा, जो एकदम 5 नंबर का यहाँ पर जो मेरे हिसाब से आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वो है
अध्यापक केंद्रित उपागम एवं शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में तुलना। तो जो अभी हमने यहाँ पे शीर्षक में देखा था, जो पहला था अध्यापक यानी कि शिक्षक केंद्रित उपागम और शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी केंद्रित उपागम, इस दोनों में तुलना करना है। तो यहाँ पर कुछ कुछ बातों को लेकर, कुछ कुछ पॉइंट्स को लेकर तुलना की गई है। तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य को लेकर सबसे पहले तुलना है। तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य जो होगा वो अध्यापक केंद्रित उपागम में अध्यापक पाठ रूपरेखा के अनुरूप विषय वस्तु को पूरा करता है। मतलब अध्यापक वहां पर पाठ के अनुरूप जो पाठ्य की जो रूपरेखा है, जिस प्रकार से पढ़ाना है उस प्रकार से विषय वस्तु को पूरा करता है। यहीं पर अगर शिक्षार्थी केंद्रित उपागम देखें, मतलब कि विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए अगर वो पढ़ाई होती है तो अध्यापक द्वारा निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो अध्यापक उसको निर्धारित करते हैं, और लेकिन अध्यापक केंद्रित में पाठ्य रूपरेखा के अनुरूप होता है। अगला जो है इसमें वो है कि विद्यार्थी कैसे सीखता है। तो अध्यापक केंद्रित उपागम में विद्यार्थी निष्क्रिय होकर सुनता है और वो पढ़ता है। वे स्वतंत्र अधिगम का चुनाव अच्छे अंक अर्जित करने के लिए ही करते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षार्थी केंद्रित विद्यार्थी केंद्रित उपागम में देखें तो विद्यार्थी पूर्व अर्जित ज्ञान में नए ज्ञान का समावेश करता है, और उसके उस वैसे ही उसके सीखने का वही मुख्य आधार होता है। तो इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं विद्यार्थी केंद्रित उपागम में। अगला है इसमें पॉइंट कि शिक्षण पद्धति में क्या है। तो शिक्षण पद्धति अगर अध्यापक केंद्रित उपागम में देखें तो सूचना के संप्रेषण पर आधारित होती है, कि जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है बुक्स में उसे ही अध्यापक के द्वारा यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जाता है, उसी का संप्रेषण किया जाता है। लेकिन यहीं पर अगर आप विद्यार्थी केंद्रित उपागम में देखें तो विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न होकर कार्य करने पर सिखाया जाता है। तो यहाँ से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि विद्यार्थी केंद्रित उपागम ज़्यादा बेटर है। अगला और जो पॉइंट इसमें बोला गया है वो है पाठ्यक्रम संप्रेषण। तो यहाँ पर जो सिलेबस है उसको लेकर बात हो रही है। तो अध्यापक केंद्रित उपागम में ये व्याख्यान पद्धति का उपयोग किया जाता है, मतलब डिस्क्राइब किया जाता है टीचर के द्वारा, और समाकलित उद्देश्यों के लिए दत्तकार वो परीक्षा आधारित होते हैं। तो यहाँ पे जो होमवर्क होता है या बच्चों को काम करने के लिए दिया जाता है वो बुक्स के आधार पर दिया जाता है, और इकाई परीक्षण और इकाई योजना नहीं होती है। तो इकाई परीक्षण और इकाई योजना की कोई बात यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम विद्यार्थी केंद्रित उपागम में देखें तो यहाँ पर सक्रिय अधिगम होता है, जिसमें कि छात्र भी इन्वॉल्व रहते हैं, और सहकारी अधिगम और समस्या पर आधारित अधिगम का प्रयोग होता है। और जो दत्तकार होता है, जो वर्क दिया जाता है बच्चों को, वो अभ्यास के लिए दिया जाता है और इसका इकाई परीक्षण दिया जाता है। अध्यापक की भूमिका अगर देखें तो अध्यापक केंद्रित उपागम में मंच पर सुना और जो कुछ कहा उसका पालन करना आवश्यक है। तो मतलब वन वे हो गया, शिक्षक के तरफ से बोल दिया गया और उसका पालन करना है। वहीं विद्यार्थी केंद्रित उपागम में अगर देखें तो अध्यापक एक सुगम करता है, वह विद्यार्थियों के साथ मिलकर कार्य करता है। अगला पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट दिया गया है वो है शिक्षण की प्रभावशीलता। तो पढ़ाने की का जो इफेक्टिवनेस है वो क्या होगा। तो अध्यापक केंद्रित उपागम में अध्यापक सूचना उपलब्ध कराता है और विद्यार्थी उसे कंठस्थ करते हैं, और चूंकि विद्यार्थी रटकर सीखते हैं अतः प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मूल्यांकन तार्किक रूप से नहीं किया जा सकता है। तो वही बात हो गया ना कि एक तरफ से अध्यापक पढ़ाते जा रहे हैं और विद्यार्थी उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रटते जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम शिक्षार्थी विद्यार्थी केंद्रित उपागम की बात करें तो अध्यापक विद्यार्थियों को अधिगम क्रियाकलापों में संलग्न रखता है। अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम प्राप्ति में सहायता करता है। प्रदर्शन अधिकार अधिगम उद्देश्य के मास्टरी का सूचक होता है। विद्यार्थी के स्तर को सुधारने के लिए मूल्यांकन भी किया जाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी ओवरऑल अगर देखें तो विद्यार्थी केंद्रित उपागम में विद्यार्थी पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम अध्यापक केंद्रित उपागम की बात करें तो वहाँ पर वन वे होता है, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है और विद्यार्थी उसे बस पालन करते हैं। इसके बाद जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको निकलेगा वो होगा कि योग्यता आधारित उपागम का जो है कितने प्रकार हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मेनली तीन प्रकार है। तो योग्यता मतलब कि जो वहाँ पर उनके पास नॉलेज है उसको किस प्रकार से उसके उस पर आधारित उपागम के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। पहला जो है उसमें है वो भाषा योग्यता है, मतलब योग्यताएं भाषा में है, लैंग्वेज में है। तो वो योग्यताएं में क्या क्या है, सही उच्चारण के साथ बोलना हुआ, हस्तलिखित और छपे हुए शब्दों को स्पष्ट पढ़ना हुआ, तो जो मतलब बुक्स में लिखा हुआ है उसे अच्छे से पढ़ पाएं और अच्छे तरीके से बोल पाएं, और जहां पर रुकना है मतलब जैसे कहीं पर कोमा है या कहीं पर फुल स्टॉप है तो वहां पर कितना पॉज देना है, कितना रुकना है, इसे यहां पर ध्यान रखना, और पाठ के पढ़ने के पश्चात क्योंकि और या चूंकि ऐसे शब्दों का उपयोग करके पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने योग्य होना।
कि अगर आप वो पढ़ लिए उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि मतलब इस शब्दों का उपयोग कहाँ पे होगा, कैसे होगा, अब आप उससे क्वेश्चन में आंसर में इन सब चीज़ों का उपयोग करें, तो ये सब चीज़ें बताती है कि भाषा योग्यताएं सही है। तो ये एक प्रकार हो गया योग्यता उपागम का, भाषा योग्यताएं। दूसरा जो प्रकार है वो है गणितीय योग्यताएं। तो गणितीय योग्यताएं में वस्तुओं को चित्रों का उपयोग करके 1 से 20 तक गिनना, ये एक आता है गणितीय योग्यताएं में। दूसरा है दैनिक जीवन की साधारण समस्या का हल इकाई विधि के द्वारा उपयोग करके निकालना। तो दैनिक जीवन में जो भी समस्याएं आती है, जोड़ घटा गुणा भाग और उसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें गणित से जुड़ी होती है, उसकी समस्या का समाधान निकालना। कि अगर आप एक दुकान पे जाते हैं, आप 15 रुपये का सामान लेते हैं, आप उसे मान लीजिए 50 का नोट देते हैं, तो आपको कितना पैसा वापस लेना चाहिए, कि आपको कैसे गिनना चाहिए, मतलब वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है। अगला पॉइंट है इसमें कि दिए गए आंकड़ों से औसत ज्ञात करना। जो भी आंकड़े आपको दिए जाएंगे उसका आप एवरेज, उसका औसत कैसे निकाल सकते हैं। अगला है इसमें पॉइंट गणितीय योग्यताएं में कि चांद की सहायता से विभिन्न मापों का कोण बनाना। तो ये गणितीय योग्यता में आ जाती है बच्चों के लिए कि विभिन्न मापों का 40 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसका कोण आप कैसे बना सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन योग्यताएं इसका तीसरा पार्ट है, इसका प्रकार है योग्यता आधारित उपागम का। तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में मेनली आता है कि अपने घर परिवार से में संबंधियों और पड़ोसियों के साथ उचित व्यवहार का प्रदर्शन करना। तो ये हो गया कि आपका जो नेचर है, आपका जो लाइफस्टाइल कह सकते हैं, उससे रिलेटेड योग्यताएं हैं। और आगे इसमें है कि दैनिक जरूरतों की पूर्ति हेतु विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित व्यवसायों की सूची बनाना, जो कि यहाँ पर इसके एक मेन पॉइंट में बताया गया है। अगला जो है कि मानचित्र के मुख्य भौगोलिक वस्तुओं की पहचान करना। मानचित्र में कहाँ पर क्या है उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। और पीने के पानी को साफ करने के साधारण प्रयोग करना, पीने के पानी को कैसे साफ किया जाए, उसका क्या क्या मतलब तरीका हो सकता है, वो प्रयोग करना, पर्यावरण अध्ययन की योग्यताएं में ये सब चीज़ें आती है। तो ये सब दोस्तों यहाँ से मेन कंसेप्ट है, मेन टॉपिक है, जो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सब जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन को मिला के आपको 10 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव भी निकल सकता है। जैसे मैं यहाँ पर फिर से एक एग्जाम्पल दे दूँ कि अगर आपको ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन योग्यता आधारित उपागम में आते हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया भाषा योग्यताएं और दूसरा कुछ कुछ और दे दिया गया, सामाजिक योग्यताएं या कोई तीसरा कुछ भी दे दिया जो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर भाषा योग्यताएं, गणितीय योग्यताएं और पर्यावरण अध्ययन योग्यताएं, इस तीनों में से जो ऑप्शन होगा वो आपको लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से निकल के आता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, यही था हमारा आज का रिवीजन वीडियो। आगे और भी बाकी वीडियोस के साथ आपके बीच हम बने हुए ही हैं, तो डेली आप इस वीडियो को जरूर देखिए और जितना भी हो सके आराम से इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। और आप थोड़ा सा भी अगर आप 40-50% भी इससे जान लेते हैं तो वो काफ़ी फायदेमंद होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आराम से क्लियर होगा और वो मुझे भी उससे बहुत खुशी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ, कोई सुझाव या सलाह है तो कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।